हेलो ब्रदर, की हाल चाल? फिर से आ गए रे बाबा इधर। अरे आना ही पड़ा यार, भाभी जी ने मोटिवेट जो कर दिया था। और फिर वैलेंटाइन डे भी तो आ रहा है, अकेला थोड़ी जलूंगा, तुम्हें भी तो जलाना है। क्या बात है भाई, हम बहुत खुश हैं यार तेरे लिए। मतलब हम लौंडों की ये तो खास बात होती है, हम जलते नहीं है यार एक दूसरे से। लड़कियों में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती है। ये धुआं देख रहे हो तुम? लोगों के खुशी से आंसू आते हैं, मेरे खुशी से धुआं आता है। अभी देखना, खुशी से थोड़ी देर बाद में जलने भी लगूंगा। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। अब यार देखो, प्यार ना बहुत ज्यादा प्यारी चीज है, क्योंकि वो थोड़ा सा चूतिया होता है। वो थोड़ा सा अंधा होता है, क्योंकि ना तो वो किसी की उम्र देखता है और ना ही किसी का कद देखता है। और तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? कुछ नहीं, मैं इनके साथ घूमने आई थी। ये कौन है? इनसे मेरी शादी होने वाली है। और शक्ल तो आजकल देख ही नहीं रहा है। इसके तीन फेवरेट काम है, लड़ना, रोना और सोना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्यार को कम से कम साइज तो देख ही लेना चाहिए। अब बताओ, ये साले दानव भी मानव को लेके जाएंगे तो हम मानव किसको लेके जाएंगे? कर रही है इतनी देर से? वैलेंटाइंस डे आ रहा है जनाब, क्या गिफ्ट देंगे? जो आप चाहें। आपसे आपको मांग लूं तो? अरे पागल औरत, अब क्या भाई की खाल उधेड़ के मानेगी तू? पहले से मिल तो चुका है तुझे वो, अब तुझे उसमें से भी वो चाहिए? आपसे आपको मांग लूं तो? क्या मुस्कुराहट है भाई, ये प्यार करने वाले ना साला सच में चूतिया होते हैं, कुछ भी मांगने लगते हैं। भाई साहब आप हमें बताइए, बायोलॉजी के नियम के अनुसार भी भैया से भैया कहा तो मांगा जा सकता, लेकिन भैया से भैया को कैसे मांगोगे? अगर आपको फिर भी चुल्ले की आपको भैया में से भैया चाहिए, फिर तो भैया को जो है वो प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। और अगर भैया प्रेग्नेंट होंगे तो फिर वो भैया थोड़ी रहेंगे, वो तो मैया बन जाएंगे। और तो ये मैया है वो इस भैया की मैया है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अरे तुम्मड़ी रे आए से। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। भाई यार तू ना एक काम कर, अपनी ये नीली पल्सर ना हमारी छाती में से उतार दे। साले एक तो मेन भोर्स वाली चॉकलेट खा रहा, फिर हमें भी दिखा रहा। वा 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 वा। भाई जान तुम हम एक ही प्लेट में खाए, क्या बात है, क्या बात है? मैं इस्लामिक विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मेरा नाम आज से पहले मिस्टर एजे था और अब तुम मुझे मोहम्मद एजे के नाम से जानो। पाजी बदल लिया साला। आज मत रोकना मुझे, चाचा जान से ये ज्ञान मुझे लेना ही पड़ेगा, और ज्ञान का कोई मजहब नहीं होता। मस्त प्लान है, क्योंकि भाई साहब जिस उम्र में लोग गोलियां खा रहे होते हैं, चाचा हमारे छोरियां खा रहे हैं। देख लो भाई, तभी तो उनसे कहता हूँ मैं कि सालो कमा लो, ये उम्र है, ढेर सारा पैसा कमा लो, इस उम्र में लड़की मिले ना मिले लेकिन चाचा जान की तरह बुढ़ापे में जरूर मिलेगी। फिर भले ही तुम्हारा एक पैर कब्र में हो और दूसरा खबर में हो, फिर भी तुम तीसरे पैर से शादी कर सकते हो। मिलते नहीं हम तुम तो। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। क्या होता? अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा बहाना ढूंढ के लाऊं जो मेरे दिल को तसल्ली दे दे, क्योंकि ये तो मुझे अमीर भी नहीं दिखाई दे रहा है। सच बोलूं पर मैंने खट्टी टॉफी खाई है। पूरा होता। भाई बता दो यार, कौन से भगवान की पूजा करते हो? लोग मेरे से कमेंट करते हैं कि पुनीत भाई तुम कौन से भगवान को मानते हो, तो दोस्तों मैं इन भगवान को मानता हूं। तो आप लोग भी जिंदगी में अगर खुशियां चाहते हो, परेशानियां दूर करना चाहते हो, तो आप भी इन गुरु का नाम लो। भाई मैं तो धूप भी ले आया था यार, मुझे लगा था इस वीडियो में ही घुमा दूंगा, तो क्या पता जल्दी कृपा आ जाए। अब क्या हवा में ही घुमाऊं इसे? कम से कम थोड़ा सा फेस रिवील कर देते, पता तो चलता कि धूप घुमाने किसके आगे है। क्या खूब रब ने किया। मैंने खट्टी टॉफी खाई है।
कहीं ये वही खुदा तो नहीं है जो पिछली वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा था? इन्हीं की तो पूजा नहीं करनी कहीं हमें? वैसे दीदी ने दिमाग बहुत बढ़िया चला है, क्योंकि इन्हें पता था कि ये वाला खुदा गुमशुदा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। तुम पागल है क्या? अबे तुम पागल, तो इनसे ही शादी कर लेते हैं भाई साहब, फिर तो सारी प्रॉपर्टी मस्त प्लान है। फिर तो ऐसी ऐसे भाई साहब कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, इसकी माँ को पता ही नहीं लग रहा कि इधर जा रहे हैं। ओए बाबू, प्यार नहीं था तो दिल क्यों लगाया, मोहब्बत नहीं था तो दिल को क्यों धड़काया, जरा सोचो, साथ नहीं देना था तो अपना क्यों बनाया। ओए बाबू, तुझे इंस्टाग्राम का पता किसने बताया, और जब तुझे साइली नहीं आती तो तूने रील क्यों बनाया, और साला हमारे पर्सनल मैटर को तूने पब्लिक में क्यों उठाया? अपने माइंड में 128 GB मेमोरी खाली रखना मेरी जाने तमन्ना, अपने प्रेम कहानी को लिखने के लिए। भाई जाने तमन्ना ना मेरे दिमाग का ओपो वीवो कर रखा, अबे तेरे लिए असल जिंदगी क्या कम पड़ गई, अब तुझे डिजिटल हाउस की भी करनी है। प्रेम कहानी को लिखने के लिए, क्योंकि अपनी मोहब्बत की रफ्तार 360 डिग्री कर रही हूँ, कहीं पागल ना हो जाना। आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। तो भाई साहब अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी वाली लड़की जिसे तुम बस अपने सपनों की रानी ही बना सकते हो, क्योंकि असल जिंदगी में तुम भले ही जॉन अब्राहम के दूर के चाचा के लौंडे ही क्यों ना हो, तुम उसे नहीं पटा सकते। मैडम आपके पापा की क्या पटाखों की फैक्ट्री है? नहीं आप तो कथे बॉम हो रही हो यार, वो भी सुतली बॉम, और बम के हमें पटने से नहीं फटने से डर लगता है। बहन तूने जरा सा भी संकोच नहीं किया ऐसी पर्सनैलिटी बनाने से पहले, और तेरे हाथ भी नहीं कांपे ये सब लिखने से पहले। शादी कहीं और करा दी, मैं भी गैंगस्टर हूँ बेटा, तेरे शादी के मंडप को कब्रिस्तान बना देगी। गैंगस्टर जी हमारी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम ना सिर्फ खुद से ही प्यार करते हैं, नहीं इतना ज्यादा भी नहीं करते हैं। तेरे शादी के मंडप को कब्रिस्तान बना। अरे बहन कम से कम तू तो पढ़ ले यार, तेरी तो शक्ल भी नाइस बहुत ज्यादा अच्छी है, कम से कम 4 पैसे कमा के दांत तो अंदर करवा लेगी, वरना कहीं होटल में बोतल खोलती फिरेगी। अब देखो हो सकता है तुम में से बहुत से लोग इनमें से किसी को अपना वैलेंटाइन मान चुके हो, और वैलेंटाइन माना है तो इनकी प्रॉब्लम तो समझ नहीं पड़ेगी, तो चलो फिर चलते हैं एक लव गुरु के पास। बच्चे तेरी प्रॉब्लम पता क्या है, कि तो सबकी मम्मी बनती रहती है यार। भाई तू ये क्या बोल गया, सबकी मम्मी बनेगी तो फिर सबके पापा के तो मजे आ जाएंगे। बदलते रहता है, उलट पुलट चलता है, या कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो, कभी मैं। साला हमारे बारे में तो कोई सोचता नहीं है यार। अरे दीदी हमने अगर आपकी आंखों में देख लिया ना, तो आपकी आंखों का चूतिया बिंद हमारी आंखों में चला जाएगा। तेरी आंखों की गहराई में खो जाना चाहती हूँ, दिल की धड़कन में कहीं छुपा लो हमें, आज तुझे बाहों में लेकर सो जाना चाहती। अरे ये तो नोटी होने लग रही है यार, ये तो बाहों में लेने की बात कर रही है। आप दिलदार होते तो दिल दे देती, आशिक होते तो नजरों से वार करती, पागल होते तो बेपनाह चाहती, लेकिन आप तो हवस के पुजारी हो। अरे यार ऐसे चीटिंग करोगी तो हम नहीं खेलेंगे, अभी तुम खुद नोटी हो रही थी, कह रही थी बाहों में लेना चाहती हूँ, यहाँ लेना चाहती हूँ, वहाँ लेना, अब तुम कह रही कि तुम ही हवस के पुजारी हो। इसलिए आपसे मैं बात नहीं करती। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। तो यार बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो यार कमेंट जरूर कर देना, और सालो आजकल कमेंट नहीं कर रहे हो तुम, एक जमाने में मेरी वीडियो में 5-10 हज़ार कमेंट आया करते थे, अब 500 भी नहीं आ रहे हैं, सालो भूल चुके हो तुम मुझे। खैर चलो जितने लोग हैं यहाँ पर उन्हें अब मैं भूलने नहीं दूंगा, बहुत जल्दी मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, बाय।